सेकेंड है हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी अब हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम 8 से ले रहे हैं, 8 ones are 8, रिमेनिंग नंबर इज़ 1। जैसे ये आया 9051, अब मैं 8 से दे रही हूँ ये, मैं इसको थोड़ा सा इन्हेंस करके यहाँ लिख दिया है, 8 ones are 8, 1 कैरी इधर, 8 ones are 8, 2 रिमेनिंग इधर, 2 यहाँ मौजूद है, 8 fours are 24, 2 रिमेनिंग इधर, 8 threes are 24, ये आया 3, 8 threes are 24, 1 रिमेनिंग इधर, 8 का टेबल 11 से कम है, 8 ones are 8, रिमेनिंग नंबर इज़ 3। ये देखें ये चीज़ आ गई। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। कैरी नंबर को समझाने के लिए मैंने साइड पे एक स्टेप किया, इस फॉर्म में लाते गए, इसी तरह से आप सॉल्व करते गए सब, जो भी आपका रिमेनिंग नंबर बचेगा आप यहाँ पुट अप करते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है कि आपने इसी तरह से इसका फैक्टर टच में आपने सॉल्व किया और ये रिमेनिंग नंबर आपके ये बचे हुए। अब आप इसको भी यहाँ से रिवर्स फॉर्म में लेंगे, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये नंबर इस तरह से लिख देंगे, 21533, 21533। इसी तरह यहाँ पे 206042, 206042। ये कौन सा सिस्टम था हमारा, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन।